शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक, सेंसेक्स 316 अंकों की गिरावट के साथ बंद, निफ्टी में भी 93 अंकों की गिरावट दर्ज। बाजार को बचाने सामने आए वित्त मंत्री, कहा काबू में है बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भारत पर ज्यादा असर नहीं, चुनौती से निपट लेंगे। दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का सोने पर पड़ा असर, अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, 25,000 के पार हुआ। शीला को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर शीला दीक्षित के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। और मायावती सरकार का विरोध करना लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पड़ गया भारी, पुलिस ने जमकर चटकाई लाठियां। नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमेरिकी संकट का असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है और भारतीय शेयर बाजार में आज सोमवार को हाहाकार मच गया। अमेरिका की साख पर जो बट्टा लगा है उससे दुनिया भर के बाजार बुरी तरह हिल गए हैं, लेकिन यह मौका है भारत और दूसरे उभरते बाजारों के लिए। उम्मीद की जा रही है कि शेयर बाजार नए मुकाम तक पहुंचेगा, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या यह मौका निवेश के लिए सही है, इसी पर है हमारी आज की एक खास पेशकश, क्या करें निवेशक। अमेरिकी संकट का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखा गया। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार भारी बिकवाली के दबाव में दिखा, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 17,000 के नीचे लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 5,000 के करीब कारोबार कर रहा था। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और ये 316 अंकों की गिरावट के साथ 16,990 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 93 अंकों की गिरावट के साथ 5,119 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान जिन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है वे हैं हिंडाल्को, DLF, टाटा मोटर्स, इंफोसिस और TCS। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और UHL के शेयरों में थोड़ी राहत। बुरी खबरों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी संकट से भारतीय बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का मानना है कि भारतीय बाजार के फंडामेंटल काफी मजबूत हैं और बाजार में और गिरावट की उम्मीद फिलहाल कम ही है। दीज डेवलपमेंट कुड हैव सम इंपैक्ट ऑन इंडिया, बट एज इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट एंड इज फंडामेंटल स्ट्रांग, वी आर इन ए बेटर पोजिशन देन मेनी अदर नेशन टू मैनेज दिस चैलेंज। There could be some impact on the capital and trade flow. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि बाजार की जो गिरावट है भारत पे इसका असर कम होगा, लेकिन निवेशक डरे हुए हैं, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं चक्षु दीवान जी, बाजार के जानकार हैं, इसके अलावा रूपा मेहता है, कमोडिटी की जानकार है, कमोडिटी विशेषज्ञ रूपा मेहता हमारे साथ हैं, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल अग्रवाल, ये भी बाजार के जानकार हैं, और इनसे भी जानेंगे कि आखिर निवेशक क्या करें। दरअसल सबसे पहले चक्षु जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बाजार की आज की गिरावट है, इस गिरावट को सिर्फ सीधे तौर पर S&P की रेटिंग घटाने तक देखें या कुछ और आप देखते हैं? ये आज का जो शुरुआत जो इतना फॉल हुआ उसमें तो S&P की रेटिंग का ही मेजर रीजन है, लेकिन अब जो है, अब बाजार को कल परसों से S&P की आज शाम को क्लेरिफिकेशन होना है US में, उसके बाद पता चलेगा कि कई और देशों की S&P रेटिंग और तो नहीं गिराता, और आज थोड़ा सा डर लग रहा है बाजार को कि कहीं इंडिया जैसे कंट्रीज की भी रेटिंग थोड़ा S&P घटा सकता है। अगर ऐसा हुआ, आज एशियन कंट्रीज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा गिरे, यूरोपियन कम गिरा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ एशियन कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन है
और खासतौर से इनका एक्सपोर्ट यूएस और यूरोप में ही ज्यादा होता है, तो इन पे काफी प्रेशर आ सकता है। और इंडिया जैसी कंट्रीज की बाय चांस अगर S&P ने भी थोड़ी सी रेटिंग कम करी तो एक बाजार में आगे और मंदी के चांसेस दिखते हैं। अनिल अग्रवाल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बाजार के जानकार हैं, उनसे भी अनिल जी सबसे बड़ा सवाल वही कि वित्त मंत्री जो भरोसा दिला रहे हैं वो भरोसा कहां तक कारगर है, कहां तक सही है? देखिए, अपना जो बाजार है वो अपने हिंदुस्तान के इंटरनल कंजम्पशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। हमली इंफोसिस, विप्रो और IT कंपनीज को छोड़ दें तो बाकी कंपनियां इतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगी, मेरा ये मानना है। और पेट्रोलियम के जो प्राइसेस डाउन हुए हैं वो एक हमारे सेंटिमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। अनिल जी, जो सबसे बड़ी चीज है आप कह रहे हैं सेंटिमेंट के लिए अच्छी चीज है, लेकिन क्या जो बाजार है जिस तरह से वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, क्या उनके आधार पर ये अमेरिका से अपने आप को अलग कर सकेगा? अलग कर सकेंगे सर, क्योंकि एक तो अपना सबसे बड़ा खर्चा होता है पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर, ये अपना पेट्रोलियम पदार्थ में अपने 25% की सेविंग हो जाएगी। लेकिन अभी जो एक और खतरा आ रहा है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, वो अमेरिका के बाद अब इमर्जिंग मार्केट्स के जो इमर्जिंग मार्केट हैं, जो इकोनॉमीज हैं, उनको भी डाउनग्रेड कर सकता है, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें हिंदुस्तान का डाउनग्रेड होने का चांस बहुत कम लग रहा है मेरे को। निश्चित तौर पर अनिल जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपनी खुद की इकोनॉमी पे ज्यादा डिपेंड करता है। जी अनिल जी बोलिए। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर खुद का जो 125 करोड़ का जो पब्लिक का जो कंजम्पशन है वो तो कम होना नहीं है, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चांसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना है वो भी यहाँ पर अभी बाकी है काफी कुछ डेवलप होना। निश्चित तौर पर अनिल जी ये मान रहे हैं कि ये भारतीय बाजार है जो मजबूत है। कुछ ऐसी ही बात यशवंत सिन्हा, जो विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मौका, जो गिरावट का मौका है दुनिया भर में आया है, ये भारत के लिए अपने आप में एक मौका लेकर आया है। क्या कह रहे हैं यशवंत सिन्हा, वो सुनते हैं। कि मार्केट का बिहेवियर बहुत बार तर्क संगत नहीं होता है। अमेरिका में जो क्राइसिस है उससे भारत के लिए बहुत सारे अवसर भी खुलते हैं, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अनिल जी, आपने सुना वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बाजार का बिहेवियर वो बहुत ज्यादा कुछ कभी कभी अलग रिएक्ट करता है। आप किस तरह के मौके देखते हैं बाजार से इस वक्त इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए किस तरह के मौके हैं? देखिए, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको अपन बोलते हैं, वो भी जो बाजार के, अमेरिका में जब मंदी आएगी तो वो हिंदुस्तान के जैसे मार्केट के अंदर खरीदारी करने के लिए आ सकती है, जो कि ज्यादा सेफ, जैसे आज सोना और चांदी आप देख रहे हैं तो भाव बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, और किस तरह के मौके हैं? सोना चांदी तो एक इक्विटी मार्केट की कमजोरी है तो लोग कमोडिटी मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए किस तरह के मौके हैं, कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें भारत को कुछ नीतियां बेहतर करनी चाहिए और जिससे कि कुछ बेहतर निकल कर आएगा? देखिए, भारत के अंदर एक तो जो रिटेल सेक्टर है उसमें थोड़ी सी नीतियां बेहतर करने की जरूरत है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, अपन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है यहां पर, जिसके अंदर की थोड़ी सी नीति और थोड़ा सा बेनिफिट देंगे तो फॉरेन के काफी लोग यहां आ सकते हैं। जी अनिल चक्षु जी, ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरह के मौके हैं भारत के लिए, किस तरह के मौके हैं इस जो दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है, और जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार को थोड़ा काम करने की जरूरत है? नहीं, सरकार को तो कई चीजों में करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बात हो ही रही थी क्रूड प्राइसेस कम होने से, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा रिड्यूस होता है और अगर ये S&P की कुछ क्लैरिटी आ जाती है तो मेरे ख्याल से हम 3-4-6 महीने बाद देख सकते हैं कि शायद RBI भी अपनी पॉलिसी को अब किसी तरह कम करके इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाने की कोशिश करे। उससे क्या होगा, रियल एस्टेट इंफ्रा सब में जो बोरोइंग कॉस्ट इतनी हैवी हो गई है और जितने आधे प्रोजेक्ट्स पावर के हम देख रहे हैं, इंफ्रा के, वो अनवायबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो किसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से कम हो जाएं, और उसका इंटरेस्ट रेट सारे इन्फ्लेशन ड्रिवन है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आते हैं सारों के, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3-6 महीने में अगर गवर्नमेंट सही स्टेप्स उठाए तो इन्फ्लेशन किसी तरह कम हो जाए, तो उसके बाद ही
मेरे ख्याल से पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन कम हुए, उसके बाद बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, उसी से आधे प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं या वाइबल नहीं है वो सब वाइबल हो जाएंगे और अपने आप ही एक नए ग्रोथ की तरफ हम। लेकिन आपको क्या लगता है 16 सितंबर को जो क्रेडिट पॉलिसी आनी है रिजर्व बैंक की, उसमें रेट क्या बढ़ने बंद होंगे? आज आज आरबीआई ने सवेरे स्टेटमेंट भी दिया है और अब ये देखना क्रूड प्राइसेस जो रिपोर्ट थी आरबीआई की उसमें यही लिखा था कि क्रूड प्राइसेस बहुत अनसर्टन है, तो क्रूड प्राइसेस अगर 15-20% कम हो जाता है अपने हाई से तो जरूर आरबीआई इस पे देखेगी और मेरे ख्याल से 0.5 का जो सरप्राइज दिया था लास्ट टाइम है, इस बार हो सकता है कि कम तो नहीं लेकिन स्टेबल ही रखे, स्टेबल रहेगा। निश्चित तौर पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार जो 16 सितंबर को उसकी क्रेडिट पॉलिसी आ रही है अब उसमें बढ़ोतरी नहीं करेगा, थोड़ा रुकेंगे। हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पीएसएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसएल इंडिया लिमिटेड। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिलियन